ओ 10R सेल पे लगा दी ये भाई। शाउट आउट चाहिए आज तो, बहुत यूट्यूबर दिख रहे हैं मुझे, शाउट आउट चाहिए मेरे को। असी सोचा सीगा नई जगह रुकांगे बट बहुत लोग हैगे ने इतने ऑलरेडी। मैंने गाड़ी से बजाया कह रहे यार Beautiful people, this is Jason Kiyal Chal Sat Sri Akal। देखो भाई ऐसा है, टुडे इज संडे एंड इट्स वेरी हॉट एंड ह्यूमिड राइट नाउ और 7:30 बज रहे हैं बट येस वी गोना राइड टुडे क्योंकि यार 5-6 दिन से घर बैठे हैं बीमार भाई साहब, अभी थोड़े अच्छा फील कर रहे हैं तो भाई राइड तो बनती है। और एक और स्पेशल रीजन है वो है सोम। व्हाट्स अप ब्रो, की हाल चाल? सत श्री अकाल। तो सोम जैन फ्रॉम भुवनेश्वर, तो आज हम तीनों ही राइड करने वाले। पहले शाहिद ने भी आना था, उसका पेट खराब हो गया सुबह सुबह। मेरे को मैसेज आया, रात को पबजी खेल रहा था, बहुत किल खा रहा था वो बहुत सारे, तो मे बी ये रीज़न है। तो सुबह उसका मैसेज आ गया कि मैं नहीं आ रहा हूँ, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब हम उठ गए हैं तो एक छोटी सी राइड करके ज़रूर से आ जाएंगे, है ना। तो आज सोम को हम दिखाने वाले हैं पहले तो GFR, और उससे पहले कोशिश करेंगे कि अंडरपासेस जो हैं DLF वाले वो वहाँ पे लेके चलेंगे, है ना। चलें भाई, करेंगे आगे पीछे हाँ आगे पीछे ये करेंगे क्योंकि इसमें तो मैप भी नहीं है ना कि मैप देख के। नहीं डोंट वरी विल टेक यू अलोंग। कौन सी बाइक चलाना पसंद करोगे? बुसा चलाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो बुसा सोम चलाएगा, तू चलाएगा 10R, मैं चलाऊंगा GSS, है ना, क्योंकि मेरे को चाहिए अभी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन, ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करूँगा और कोशिश रहेगी कि आज छोटी राइड करेंगे, मतलब 100 किलोमीटर की, ज़्यादा नहीं करेंगे, और कहीं अच्छी सी जगह पे बैठेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद रेस्ट करेंगे। तो दिस इज़ द प्लान सो फार। निकलते हैं मोटरसाइकिल पर, मिलते हैं आपको डायरेक्टली ऑन द रोड्स। ऑल राइट भाई लोग, सो हम लोग निकल चुके हैं। सच ही बोलूँगा पिछले 5 मिनट में इतना अच्छा लगा जो पिछले पूरे हफ्ते में नहीं लगा, सीरियसली मैन। अच्छा डिसीजन है राइड करने का, थोड़ा सा राइड करेंगे, अच्छा फील होगा, है ना। हवा भी लग रही है। ऑफिस में जैसे ही मैंने राइडिंग गियर पहने थे, हेलमेट पहना था ना, इतनी सफोकेशन हुई थी, एक बारी को लगा कि यार नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, बट ठीक है अभी अच्छा लगने लग गया है। थोड़ा थोड़ा और चलाएंगे और अच्छा लगेगा, और कोशिश है जल्दी आ जाएंगे आज, है भाई जल्दी आ जाएंगे। मम्मी बुला रही सी, कर जाना सी, सो इट इज़ लाइक दैट। आई कैन सी लॉट ऑफ बाइकर्स अराउंड, यू नो। वधिया है जी, वधिया गल है, वधिया संडे कल्चर, यू नो। पहला स्टॉप पेट्रोल पंप। अभी देखो एक डेमो दिया जाएगा आपको। ये गुड बॉय, फुल ट्रेन डॉग है बॉस। चलेंगे धीरे धीरे, धूप भी निकल रहा है यार, गर्मी नहीं लगनी चाहिए। ਅਸੀਂ सोचा ਸੀਗਾ नई जगह रुकांगे बट बहुत लोग ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ऑलरेडी। द पिट स्टॉप तो ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ और ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ क्योंकि यार भूख लग रही है, प्यास लग रही है, आज हमारी परी उदास लग रही है। बैटरी वाली है क्या? देखो हंसते खांसी आने वाली है, तो मिक्स ऑफ बोथ। बुढ़ापा पता था आएगा बट इतनी जल्दी आएगा ये किसी ने सोची ना थी। हाँ जी क्या हाल है? हाँ जी फोन नहीं उठाते हो? अरे मेरे क्या हाल है पवन भाई? भेजा आपको मैंने, छोड़ो कितनी ऑफरोडिंग मार के आए हो? मैं बस अभी वो वहाँ तक गया था, फिर मैं वो वहाँ गया, फिर मैं वो वहाँ से घूम के आ गया। सोचना नहीं पड़ता। हाँ बड़े ओ भाई शाउट आउट चाहिए आज तो बहुत यूट्यूबर दिख रहे हैं मुझे, शाउट आउट चाहिए मेरे को। ठीक है, उल्टा बोल रहे हो। नहीं, मेरे को सबसे शाउट आउट चाहिए। कैमरा निकालो भाई सारे। क्या रहा जी? जाना इसको? ये भाई साहब बहुत फेमस हो गए हैं टिकटॉक पे, बोलते नहीं है बस ऐसे रिएक्शन देते हैं। हाँ अभी रील पे आते हैं। देखो भाई किस्मत होती है ऐसी ऐसी, सही बात है। सो सोम भाई पहले तो ये बता भाई कि जी वैगन एक्सपीरियंस कैसा है? ओह अमेजिंग। मैंने डिलीवरी देखी थी, डिलीवरी वीडियो वाज अमेजिंग व्हेन यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स अ कार ना, और वो मतलब बहुत अच्छा था, हार्ट मतलब वेलमिंग और बहुत टचिंग सीन था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। एंड आई वाज वेरी हैप्पी although I was not in Mumbai, but होता तो और मजा आ जाता। But I saw Saurabh Paji and team, everybody was there। आ जाएंगे। हाँ उन्होंने भी बुक कराया हुआ, तो ऑडियंस को पता ऑलरेडी लगी चुका है that he has also booked his Jeep again। तो कैसा है ओवरऑल? Amazing, amazing। मतलब you have to drive it to know। पक्का। हाँ हाँ, मतलब ऐसे लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा पैसा हो गया, but once you drive it लगता है कि नहीं। तो इनडायरेक्टली देखो मैंने अपने लिए पूछ लिया कि मैं आऊंगा और मैं चलाऊंगा। प्लान करना चाहिए because अभी बाइक्स बहुत सारा हो गया। It's time for a car now। मैंने अभी कार का वो अलग ही कुछ फन है। ये तो है। प्रॉब्लम है कि आप बाइक में अकेले जाते हो, कार होगा तो यू कैन टेक द फैमिली आल्सो। जो भी सामान लेना होगा ले लो, सब ले लो आराम से, जाए लंबा राइड कहीं भी। बिल्कुल जेन्युइन है, देखो दैट इज वेरी ट्रू। ये सब ना इच्छाएं थी, एक इच्छा और है वैसे बाइक की, नहीं एक नहीं दो है और भी बाइक बाकी है। हाँ दो और है, दो और है दोस्तों जो मुझे पसंद है, बट वो मैं सोच रहा हूँ इस साल तो नहीं लूंगा। अब बारी है गाड़ी की, तो ऑलरेडी मैं तो इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहा हूँ, है ना। And proper planning actually is needed for it. I saw your videos also. Everything is calculated. Everything is calculated. पूरा back calculation से okay. तो क्या suggestion रहता है audience के लिए भी, मतलब कि कैसे planning करना चाहिए? Planning has to start from zero. अभी audience ऐसा मतलब लोग क्या सोचते हैं कि सब कुछ बहुत जल्दी हो जाता है। जल्दी कुछ नहीं होता। Takes time. Right. Takes time मतलब आपको पकड़ना है 5 years 10 years ऐसा कुछ time लेके चलोगे with aim, then it actually makes sense. कोई भी चीज जल्दी नहीं, शॉर्टकट से तो you cannot achieve it. देखो मेरे को YouTube पे 5 साल हो गए और IT में और वेब मतलब काम करते हुए वेबसाइट या डिफरेंट वर्क्स करते हुए 10 साल हो गया। okay. तो उसके बाद जाके कहीं आज हम जहाँ पर तो हैं और बाइक दिख रहा है, बाइक दिख रहा है, स्ट्रगल नहीं दिख रहा है। अरे और बाइक्स के साथ में जो थोड़ा बहुत लोन भी है वो भी नहीं दिख रहा है। वो भी नहीं लग रहा है कि सारा पैसा इसका है, ऐसा नहीं है भाई। उधारी लेके शौक पूरे किए जा रहे हैं क्योंकि जिंदगी तो एक ही मिली है ना। तो जो पॉसिबल है जिसमें किसी का नुकसान नहीं है तो वो हम कर सकते हैं, है ना। प्लानिंग, प्लानिंग इज मस्ट। एंड प्लानिंग के लिए मतलब देखो आई हैव सीन योर वीडियोस, यू इन्वेस्ट अ लॉट, है ना, जहाँ से रिटर्न्स भी अच्छे हैं। तो मैं भी करता ही रहता हूँ और इनको भी मैं बताता रहता हूँ। तो चलो इसी मूवमेंट पे एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, या डिजिटल गोल्ड लेके भी रख सकते हो क्योंकि धीरे धीरे प्राइस हाइक होंगे। और गोल्ड प्लानिंग एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, एंड प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं जो एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ उसका नाम है कुवेरा। आप भी यूज़ करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, डिजिटल गोल्ड ले सकते हो, ले सकते हो हेल्थ इंश्योरेंस। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है दोस्तों, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक छोड़ा है, चेकआउट कर लो। और जी हाँ, इन्वेस्टमेंट करोगे, प्लानिंग करोगे, तब भी तो आगे बढ़ोगे बॉस। सही बात है, नहीं तो बस वीडियो ही देखते जाओगे। और ये भी बात सही है। देखो बहुत जेन्युइन बात करिए, अब भी एक्शन लो, स्टार्ट ना कुछ। यस, और इन्वेस्टमेंट वर्ड बहुत बड़ा होता है। हाँ है कुछ नहीं, 100 रुपए से भी शुरू हो सकता है। एक्चुअली बोरिंग प्रोसेस, बट वंस यू गेट वेरी नियर टू दैट थिंग अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। मैं तो करता रहता हूँ कैलकुलेट, डे एंड नाइट चलता रहता है। तो गाड़ी का भी सीन है, देखो मेरे को बहुत अच्छा है, बट पता क्या है मेरे पास में ना पार्किंग नहीं है। बिगेस्ट इशू। तो मेरा और मेरे फादर का और मेरा जो ब्रदर है, लाइक वी प्लान समथिंग की कुछ ऐसा करते हैं कि पहले तो पार्किंग लेते हैं, पहले पार्किंग है ना, उसके बाद गाड़ी जरूर से ली जाएगी, बट थोड़ा रुको जरा। और ये जो 2 बाइक्स है ना, ये जो 2 बाइक्स हैं ये अगले साल में। okay, इस साल का कोटा हो गया पूरा। मैं तो एक्चुअली गराज देख के सोच रहा था मैं भी एक बाइक यहाँ के लेके पार्क कर दूं। नहीं मैंने ऑलरेडी पार्क किया हुआ है। अगली बार बस आना है तो हेलमेट ही लेके आना है, या रखना चाहते हो या पार्क करना चाहते हो तो बस हेलमेट पार्क कर देंगे, डेमोरेज चार्जेस डाल देंगे। तो ये सारे मेरे दोस्तों को अप्लीकेबल है कि भाई दिल्ली आओगे कोई टेंशन नहीं है, हेलमेट ले आना, और होगा तो यहीं छोड़ जाना, नहीं भी होगा तो मेरे पास है। आई हैव डिफरेंट हेलमेट्स आल्सो, डिफरेंट जैकेट्स आल्सो, सो नो टेंशन। अब खत्म हो गया। स्कीम क्या है? स्कीम है टेस्ट राइड लो डब्बा ले जाओ। स्कीम ऐसी स्कीम किसी ने सुनी नहीं होगी। मैं कहता हूं टेस्ट राइड लो डब्बा ले जाओ। कावासाकी वेस्ट दिल्ली एक इवेंट करा रही है, थ्रॉटल शॉटल में, बाहर इनकी बाइक्स खड़ी हैं, लोग आ रहे हैं डेमो। हाँ अभी टी-शर्ट मैं भी खोलने वाला हूँ, कह रहे मेरे साइज की नहीं है। तो देखो भाई बाइक्स की टेस्ट राइड भी दे रहे हैं और जो बाइक की टेस्ट राइड ले रहे हैं ना उसको साथ में यहाँ पे ब्रेकफास्ट बॉक्स भी मिल रहा है और उसके साथ ही लकी हम जैसे कुछ खास लोगों को मतलब टी शर्ट भी मिलेंगे। क्यों सिमरन, मिलेंगी ना? मिलेंगी ना? बिल्कुल मिलेंगी। ये देखो अभी बोल रहे थे आपके साइज की नहीं, आपके लिए नहीं है। कैमरा ऑन होती है देखो सच निकलता है, तो घर आके देखे जाएंगे। ये बात सही रही, ये बात सही रही। बट ओवरऑल ऑनेस्टली नाइस इवेंट हैपनिंग आउटसाइड। तो अभी हमने खाया यहाँ पे, मतलब हमारा तो टेबल ये है, बॉक्सेस पड़े हैं यहाँ पे। इन्होंने ना फोन छुपा दिया। हाँ। संतोष ने, मैंने घड़ी से बजाया, कह रहे यार स्मार्ट गाइड। सो पवन भाई को प्रॉमिस करके जा रहा हूँ व्हीली शॉट देंगे पक्के से। यो तो निकल रहे हैं दोस्तों, गर्मी बहुत हो गई है। मज़ा आया सो फार। और बाहर कावासाकी का इवेंट चल रहा है अभी भी, टेस्ट राइड दी जा रही है। टेस्ट राइड ओ 10 और सेल पे लगा दी। ओ उदी है ना जेएस फिल्म दी खन्ना, पार्टी बदल ली तूने, बेच दी। ओ भाई टेस्ट राइड पे हाँ चेक कर लिए ना, ठीक है अच्छे से चेक कर लेना, सही है। मतलब बीमारियां खत्म नहीं हो रही दोस्तों, सच्ची बता रहा हूँ, एक से एक बीमारी है। और अभी तो हम ठीक हुए हैं जस्ट, बट ठीक है अच्छा लगा आज, अच्छा डिसीजन था राइड करना, क्योंकि इतने दिन से घर बैठ के भी ना मन नहीं लग रहा था। तेरे को भी खांसी हो रही है? एनीवेज ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बहुत अच्छी डिस्कशन रही, कॉन्वर्सेशन रही विद सोम। तो गाड़ियों के बारे में आज हमने ली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, दुबई के बारे में और दुबई के बारे में भी। और खन्ना जी ने बैठे बैठे प्लान बना लिया, अभी गाड़ी बेच के दुबई जा रहे हैं। और... मैं गाड़ी बेच के गाड़ी लूंगा। अच्छा गाड़ी बेच के गाड़ी लेगा, अपग्रेड मारेगा। देखो भाई खन्ना जी भी गाड़ी वाले हो गए, भाई ने भी जी वैगन ले ली। यार आप बाइक वाले हो ना फिर भाई, ट्रू बाइकर। ट्रू बाइकर, मैंने एक बात बोली थी ना, बाइकर क्या होते हैं? क्या होते हैं? मीन होते हैं। ये सच्ची बात है कि बाइकर्स मीन होते हैं। सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं बाइकर, अपने बारे में सोचते हैं कि भैया गाड़ी घर वाले चलाएंगे, बाइक मैंने चलानी, ये होता है। सिंगल सीट बाइक चलाऊंगा अकेले मैं, मेरी तो एक्चुअली मेरी वाइफ कितनी बार बोल चुकी है पता है, कहती है कि अब तो मैंने ना उम्मीद ही छोड़ दी है। हम हर बार बोलते हैं गाड़ी लोगे गाड़ी लोगे गाड़ी लोगे गाड़ी लोगे, पहुंच जाते हैं उसके बाद कोई दूसरी बाइक ले आते हैं। यार मतलब मेरे को फोन करते हैं इस बार नो बाइक्स, नहीं नहीं मतलब डेफिनेटली नो बाइक्स। बट यस आपको बता रहा हूँ, इनको बता चुका हूँ कि 2 बाइकें और पसंद है, बट उनको अगले साल में कार आने के बाद 2 बाइक अब गाड़ी आ जाएगा 3 महीने में। नहीं अभी टाइम है, अभी टाइम है। देखो यार मैं सिर्फ एक ही चीज सीखता हूँ कि अभी जैसे मैं बीमार पड़ा या सेकेंड वेव में जब मैं बीमार पड़ा ना, तो जब रिकवर कर रहा होता है बंदा तो यही सोचता है कि ठीक होने के बाद जो चीजें खुशी देती है ना वो जल्दी जल्दी कर लो, बिकॉज आपको आगे का पता नहीं है ना, क्योंकि कल जाके ठीक नहीं। सुबह तक आप एकदम फ्रेश होते हो, रात को लेटते हो, अगले दिन उठते हो आप बीमार हो जाते हो, बुखार हो जाता है। सो मैं तो इसी सोच से चलता हूँ है ना कि जो चीज पॉसिबल है वो कर लो है ना। अब जो भी चीजें हमने ली, मेरी टियागो सेल पे, किसी को लेनी हो तो बता देना भाई, वरना लेकर आया। 3.5 लाख लगा दिए मैंने। ओहो अभी बेच रहा हूँ 3.5 में तो मैं। चलो एनीवेज वीडियो क्लोज करेंगे, बट उससे पहले कि सोम ने आज पहली बार चलाई थी नई वाली भूसा। और नया वाला भूसा वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैं एक्चुअली वो पुराना वाला चलाया हूँ, बट इसमें पूरा ये मतलब बहुत, और वो जो हम लोग गए थे ना थ्रॉटल, वो सारा क्राउड एक तरफ, भूसा का क्राउड एक तरफ, पूरा होल क्राउड है कि वो मेरे ही बाइक के पीछे। आपका बाइक कितना भाई, मेरा बाइक नहीं है। ऑफिस से बाहर निकलते ही अंदर आ गए। सो एनी डे जैसा हम लोग हमेशा बोलते हैं भूसा इज भूसा। बट एक चीज और है मेरे मन में आ रही थी, शायद मैंने ब्लॉग में बोला था, नहीं बोला था कि यार जब से ये BMW लिया ना मेरा बस सिर्फ यही चलाने का, GSS वाला कसम से। एक बार आप GSS चलाओगे तो और कोई गाड़ी में बैठने का मन ही नहीं करेगा। तो अगर ऐसा रहा तो भाई ये सारी जो लेना चली जाएगी। मैं भी अपना GSS रखी दिल्ली में रख लूंगा ये तो। बाकी इतना कह सकता हूँ फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल बट वेरी एक्साइटिंग। स्टे ट्यून फॉर मोर। अभी करेंगे वीडियो यहीं पे क्लोज। मेहनत हमारी, रहमत उसकी, और प्यार आप सभी का। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। साइनिंग ऑफ जेसन, बाय बाय।